प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक से सी के छात्रों से उन्होंने बात की, ये आश्चर्यजनक कदम उनकी ओर से ये हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही। मोदी सरकार व शिक्षा मंत्रालय की ऑफिस में हुई बड़ी बैठक के माध्यम से बड़े व महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। सरकार ने परीक्षा को लेकर रणनीति बनाकर तैयार कर ली, जिसको सभी छात्र छात्राओं को जानना बेहद ही ज्यादा आवश्यक होगा, नहीं तो उनको पछताना भी पड़ सकता है। दोस्तों अगले 2 मिनट में आपके भविष्य से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी जानकारी हम आज के इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। अगर आप इस जानकारी से वंचित रहते तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ में आपके 10 दोस्तों, आप भारत के किस बोर्ड व राज्य से बिलोंग करने वाले छात्र छात्रा है, कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड व राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपने चैनल पे नया विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर सेट कर लें, जिससे आपके बोर्ड व राज्य से जुड़ी हुई जब भी कोई लेटेस्ट जानकारी हमें मिलती है तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी के 2 सप्ताह में आयोजित कराने को लेकर सरकार ने बड़ी रणनीति बनाकर तैयार कर ली है, जिसके बारे में सभी दोस्तों 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले ऐसे छात्र जो कि बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी से डरे हुए हैं, तो ऐसे परीक्षार्थियों को डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आपको ऐसी स्मार्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिनके माध्यम से अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अभी तक आप जैसे करते थे कि आपने रट लिया किसी क्वेश्चन का आंसर और आपने उसको लिख दिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की अगर आप कॉपी चेकिंग को देखें तो जो एग्जामिनर बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करता है वो लाइन बाय लाइन किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेक नहीं करता है। उसको 8 रुपए पर सब्जेक्ट कॉपी के मिलते हैं और वो बस केवल ऊपर और नीचे की कुछ लाइन पर ही आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर मिलते चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको रिलेटेड आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप रिलेटेड आंसर आपको लिखना आ गया तो बोर्ड परीक्षा में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और आप अगर पूरी कॉपी भर के आते, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आते नहीं आते, तो कैसे भी बना बना कर अगर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिख के आते हैं तो आपको बेहतरीन अंक इस बार बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि इस बार बोर्ड परीक्षा का पेपर केवल और केवल अनसॉल्व से ही बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको अनसॉल्व खरीद लेनी है, अगर नहीं है तो छोटे भाई बहनों से भी आप ले सकते हैं, पुराने दोस्तों से ले सकते हैं, और आप अनसॉल्व के सातों सेटों को आसानी से सॉल्व करके बोर्ड इस बार 10वीं और 12वीं सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों का सेंटर भी स्वकेंद्र रहने वाला है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले परीक्षार्थी ही क्यों ना हो, आप सभी को बता दें आप जब परीक्षा सेंटर में प्रवेश करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा। अगर आप आधार कार्ड नहीं ले जाएंगे तो आपके 10 नंबर काट लिए जाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से सभी बोर्डों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों